नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वक्त मैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर हूँ। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जम्मू स्टेशन पर आया हूँ और अर्चना एक्सप्रेस से ही पटना से मैं सफ़र करके जम्मू तवी पहुँचा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से अब बाहर की ओर हम लोग निकल रहे हैं। तो इस वक्त हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम लोग बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से बस के थ्रू या टैक्सी के थ्रू हम लोग जम्मू के लिए ये कटरा के लिए रवाना होंगे। और अब रेलवे स्टेशन पर जो बताऊँगी, देश के प्रमुख शहरों से प्रमुख शहरों से रेलवे स्टेशन कनेक्ट है और यहाँ से निकलकर आप बस स्टैंड और बस से या टैक्सी के थ्रू कटरा जा सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये टैक्सी और बस काफ़ी संख्या में यहाँ नज़र आ रहे हैं और ये आप स्टेशन से एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से बाहर निकलते ही आपको ये बस और टैक्सी दिखेगी और यहीं से आपको कटरा के लिए ऑटो या कटरा के लिए टैक्सी या बस लेनी है। कटरा से ही फिर माता वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए ऊपर जाना होता है। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक ख़ास बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अगर आपका नंबर अगर कोई दूसरे राज्य से आ रहे हैं और आपका नंबर प्रीपेड है तो यहाँ पे वो नंबर काम नहीं करेगा। पठानकोट स्टेशन के बाद आपका जो है सिम है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे में आपके पास अल्टरनेट है कि आप यहाँ जो लोकल सिम है, लोकल सिम की कई सारी दुकानें हैं, लोकल मोबाइल की दुकानें हैं जहाँ से आप यहाँ का लोकल नंबर परचेज कर सकते हैं, और अगर पोस्टपेड नंबर लेकर आते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोगों ने टैक्सी बुक की है वहाँ जाने के लिए। अमूमन आप टैक्सी से बार्गेनिंग करके आप जा सकते हैं वहाँ। रेगुलर प्राइस की बात करूँ तो 2000 तक का किराया है, मगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो 1200 से 1500 तक टैक्सी का किराया होगा। तो हम टैक्सी के साथ अपना सफ़र जो है जम्मू से कटरा के लिए शुरू कर रहे हैं। 7 बजे से हमारा सफ़र जम्मू से कटरा के लिए शुरू हुआ है। वहीं आप टैक्सी की जगह बस से यात्रा करते हैं तो आपको एक सवारी के लिए 100 रुपये से 120 रुपये तक देने होंगे। जम्मू से कटरा के रास्ते में आपको कई टनल मिलेंगे। कटरा बाज़ार हम लोग पहुंच गए हैं। कटरा बाज़ार में इस वक्त हैं हम लोग। तो लगभग 1.5 घंटे की सफ़र के बाद हम लोग इस वक्त कटरा बाज़ार में हैं और ये कटरा बाज़ार है। जम्मू स्टेशन से हम लोगों ने करीब 1.5 घंटे का सफ़र पूरा किया और अब इस वक्त कटरा बाज़ार पहुँचे हैं और यहाँ से हमारी यात्रा जो है शुरू होगी। और क्या क्या प्रक्रिया है उसे भी हम बताएंगे। यात्रा में जाने के का क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। ये लाइन जो है बुकिंग काउंटर की लाइन है और यहाँ पे पर्ची कटती है और उसके बाद उस पर्ची के सहारे जो है उस पर्ची के ज़रिए जो है माता रानी के दरबार में एंट्री होती है। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये पर्ची की लाइन है। दिशा निर्देश भी लिखा हुआ है कि कृपया यात्रा पर्ची लेने के बाद 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर लें। इस रसीद को अपने पास रखना अनिवार्य है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। ये वो स्लिप है, रसीद है, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं और इन दिशा निर्देशों को ध्यान से यात्रा से पहले ज़रूर पढ़ें। इसमें कई तरह की जानकारियां दी गई है, यात्रा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर का भी जिक्र है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जाने का रास्ता कैसा है, रास्ते में सफ़र करने के क्या क्या नियम हैं, अगली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे।
वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।